नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम हैं, 4 नए बने हैं, भाजपा के कार्यकाल में बने हैं पिछले में, और उस समय चुनाव हुए थे और 2.5 वर्ष बाद मेयर डिप्टी मेयर का दोबारा से चुनाव होता है। अभी 4 नगर निगमों को धर्मशाला, सोलन के चुनाव होने हैं, जबकि कुछ दिन पहले पालमपुर और मंडी के चुनाव हो गए हैं। मंडी में भाजपा पहले की तरह कायम रही है, पालमपुर में कांग्रेस पहले की तरह कायम रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने जब चुनाव घोषित किए तो उससे 1-2 दिन पहले वोटिंग राइट वहां के स्थानीय विधायकों को जारी कर दिया, जबकि सरकार का मत है कि ये पहले से प्रोविजन है। लेकिन उससे पहले सरकार का ये भी कहना था कि विधायकों की मांग आई थी और डीसीज ने स्पष्टीकरण मांगा था। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का आरोप है कि तब डीसीज को जो जवाब आया था प्रधान सचिव शहरी की तरफ से कि विधायक को वोटिंग राइट देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो भाजपा का आरोप है कि मनमाने निर्णय लेकर सुक्खू सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर शायद कोर्ट का रुख भी कर सकती है, कोर्ट में जाकर वो इस मामले को ले जा सकती है। अब 2 चुनाव रह गए हैं, सोलन का चुनाव और धर्मशाला का चुनाव। धर्मशाला में पार्षदों की कमी, जहां 5 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, 8 जीते हैं भाजपा के, 2 ने समर्थन निर्दलीयों ने दिया है वहां पे भाजपा को, और जाहिर है वहां पे एमसी अब दोबारा से भी शायद भाजपा की ही बने। लेकिन सोलन में कांग्रेस की एमसी है, 9 पार्षद कांग्रेस के हैं, वहीं 8 पार्षद बीजेपी के हैं, 1 का फर्क है। मामला वहां पे निर्णायक इसलिए है कि प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान भी 6 पार्षदों ने बगावत की, अविश्वास प्रस्ताव भी लाए भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर वहां का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोलन नगर निगम को बचाए रखने के लिए ये पासा सरकार द्वारा फेंका गया। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ये निर्णय कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि इस निर्णय का भाजपा कांग्रेस के विधायक जो धर्मशाला से हैं, वरिष्ठ विधायक है, अर्बन मिनिस्टर भी रहे, अर्बन डेवलपमेंट सुधीर शर्मा भी इसका कहीं ना कहीं विरोध कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय कराऊं, मैं राजीव किमटा जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, संजय शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़े हैं, चमनकेश आहता जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि भाजपा का इस पर बार बार विरोध आ रहा है और कोर्ट जाने की तैयारी भी हो रही है, तो संजय जी क्या है, क्यों इस तरह का निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना पड़ गया? हम तो यही समझ रहे हैं कि सोलन में कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला, उसको लेके उनको लग रहा है कि कहीं एक वोट की जरूरत पड़ी तो वहां के विधायक को अगर वोटिंग राइट दे दिया गया है वो काम आ सकता है। धर्मशाला में नंबर में फर्क ज्यादा है, लेकिन क्या पता वहां भी कुछ हो जाए। जी संजय जी। राजीव जी, कुछ परंपराएं जो है वो चली हैं। हम एक बहुत अच्छा प्रदेश है देश के अंदर, हमारी हिमाचल प्रदेश की एक साख है, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर विश्वास रख करके चलने वाले हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, और जिन परंपराओं को हम सदियों से लेकर के चले हुए हैं, अगर उनके ऊपर ही चला जाए, जीत और हार चुनाव के अंदर होती रहती है। हर तरह के जो है वो वक्त जो है वो राजनीति में आते हैं, और उन वक्त के थपेड़ों से निकल करके आगे बढ़ना है। ये जो है ये एक राजनीतिक परंपरा हिमाचल प्रदेश की थी, लेकिन जब से एक नया स्लोगन के साथ सरकार आई थी कि व्यवस्था परिवर्तन, तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आकर के आप जो है वो कम से कम कानून की धज्जियां जो है वो नहीं उड़ा सकते हैं। अब आप जिस तरह से आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने या सरकार ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को जो है वो ये चुनाव करवाने के लिए अधिकृत किया था कि इनकी देख रेख के अंदर जो है ये चुनाव जो है एमसीज के, चाहे मंडी में है, चाहे पालमपुर में, धर्मशाला में या सोलन में होना है, वो करवाएंगे और उन वही जो है वो इस सारी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। और उन्होंने जब चुनाव की नोटिफिकेशन आ जाती है तो नोटिफिकेशन के बाद भी वो स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या इसके अंदर, क्योंकि बीच में एक कंफ्यूजन आया था कि विधायकों को जो उस नगर निगम के अंतर्गत आने वाले हैं क्या उनको वोटिंग राइट है, लेकिन सरकार की तरफ से ही जो है वो स्पष्टीकरण आता है कि उनको जो है वो चुनाव के अंदर वोट करने का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में नहीं है, अधिकार नहीं है वोटिंग का।
इसलिए अब आप नोटिफिकेशन चुनाव की तारीख तय करके आप अधिसूचना जारी कर देते हैं। जब अधिसूचना जारी हो जाती है एट द ईव ऑफ द इलेक्शन, आप जो है वो एक अधिसूचना जारी कर देते हो, अमेंडमेंट कर देते हो, एक ही विधायक जो है जो उस नगर परिषद नगर निगम क्षेत्र का विधायक है उसको वोटिंग राइट आप दे देते हो। अब ये अपने आप में क्या रेट्रोस्पेक्टिव उसमें निर्णय लिया जा सकता है? आप प्रोस्पेक्टिव उसमें तो निर्णय ले सकते हैं कि इन फ्यूचर होने वाले उसमें सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वो आगामी कोई भी चुनाव होंगे, चाहे वो मेयर के हैं, डिप्टी मेयर के हैं या नगर निगम द्वारा चुनी जाती है तो उसमें वो है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में सरकार चली जाएगी, ये अपने आप में कितना मतलब अपने आप में एक कानूनी खिलवाड़ दिखाई दे रहा है। इनको भी पता है कि कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ तो कोर्ट भी बोलेगा कि आप भविष्य के लिए कुछ भी निर्णय ले, लेकिन आपका आज का निर्णय लिया हुआ जो है वो पिछले उसके लिए नहीं गिना जाएगा। दूसरी चीज ये है कि क्या ये नहीं चुनी केवल मेयर और डिप्टी मेयर पुनः चुने जाने हैं, एक बार पुनः उनका चुनाव होना है, क्योंकि उस समय सरकार ने एक अमेंडमेंट ढाई ढाई वर्ष का जो है वो कार्यकाल निर्धारित किया था, नए सिरे से जो है वो पूरी म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं, ये नए सिरे से चुनाव सिर्फ जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर को। तो जो प्रक्रिया चली हुई थी डिप्टी मेयर मेयर को चुनने के लिए, उसी प्रक्रिया के अंतर कोई जीत जाता कोई हार जाता, लेकिन आप उस प्रक्रिया को जो है वो चलने दो। आपके कार्यकाल के अंदर अगर पुनः दोबारा इलेक्शन होते हैं आप कोई भी अमेंडमेंट लेकर के आ जाइए, और जो चीजें चली हुई हैं उनको आप क्यों बदलना चाहते हैं? और सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति सरकार की तब बन जाती है और कांग्रेस पार्टी की तब बन जाती है कि आप जिस दिन नोटिफिकेशन लेकर के आते हो आपकी नोटिफिकेशन के ऊपर जो है ये जो अमेंडमेंट जो है विधायकों को अधिकार देने के, आपके वरिष्ठ विधायक और पूर्व में मंत्री रहे उन्होंने सरेआम जो है वो उन्होंने उस अधिकार का जो है वो मजाक उड़ाया कि सरकार जो है इस तरह तो जो है वो विधानसभा के अंदर भी कभी मेयर की जरूरत पड़ जाए कभी डिप्टी मेयर, मतलब सरकार की हास्यास्पद स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इसके कानूनी पहलू को समझते हुए इसको हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करने का मन बनाया, लेकिन सरकार कटघरे में तब खड़ी हो जाती है जब इन्हीं के चुने हुए विधायक जो हैं और जिनको वोटिंग राइट दिया है आपने वो धर्मशाला के विधायक हैं, धर्मशाला के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है और आपको हास्यास्पद स्थिति में लाकर के जो है वो आपके विधायक खड़ा कर देते हैं, आपके की अमेंडमेंट का जो है वो कोई उसका तुक नहीं रह जाता है कि उस अमेंडमेंट को जो है वो आपको तुरंत वापस लेना चाहिए था कि आपने गलत तरीके से ली है। और जब आपको अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है तो आप देखिए कि आपकी स्थिति मुख्यमंत्री की स्थिति आप कहां ला करके खड़ी कर देते हैं जी। लेकिन संजय जी ये अगर अब दो के तो अभी तक घोषणा हुई नहीं है, अगर आप कोर्ट जाते भी हैं इस मामले को लेके धर्मशाला और सोलन की अभी तक चुनाव की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, क्योंकि उस पर ये शायद निर्णय लागू हो जाए। तो क्योंकि सोलन में कांग्रेस पार्षद दो दड़ों में है, 4-1 जगह है 5-1 जगह है, अभी कल परसों मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ हेल्थ मिनिस्टर, वहां के लोकल एमएलए जिनको वोटिंग राइट भी दिया गया है 6 पार्षद वहां भी नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि सोलन में कहीं ना कहीं भाजपा भारी पड़ सकती है इस फूट में कांग्रेस की, अगर वोटिंग राइट से कहीं पड़ सकती है? देखिए पत्रिया जी, भारी पड़ना या हल्का पढ़ना ये प्रश्न ही दूसरा है, यहाँ पे प्रश्न जो है वो कानूनी पहलू का है और कानूनी पहलू जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो उनके साथ चर्चा करके बहुत जल्दी जो है हम उस चुनाव से पहले जो है वो हम कोर्ट में जो है पहुंचेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायिक प्रणाली के अंदर जो है जो निर्णय सरकार ने दिया है उसके ऊपर हम जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। जिस तरह से सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के स्पष्टीकरण आ रहे हैं, कोई यूटी को लेकर के जो है वो चंडीगढ़ को लेकर के कहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जो है वो एमपी को अधिकार है या विधायक जो है वहां विधायक तो है नहीं है लेकिन उन एमपीज को अधिकार है, कुछ प्रदेशों में और भी अगर जो मैंने अभी तक स्टडी किया है कुछ प्रदेशों के अंदर जहां पे एमएलए को दिया गया अधिकार दिया गया है, चाहे दिल्ली एमसीडी है वहां पे भी ये स्थिति एक बार बनी थी, फिर वहां पे जो है वो एमपीज लोकसभा के जो सांसद हैं उनको भी और राज्यसभा के जो सांसद हैं
उनको भी जो है वो वोटिंग का अधिकार एमसीडी के इलेक्शन के अंदर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप लाना चाहते हैं, ठीक है आप लाइए, आप चर्चा करिए, आप इसके लिए विधानसभा जो है वो पहले भी हुई थी, आगे भी होनी है, आप प्रोस्पेक्टिव उसमें ना जा करके, आप सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव में ना जा करके आप प्रोस्पेक्टिव उसके लिए चर्चा करिए, आप लाइए, आपको अधिकार है, आप सरकार में है, आपके पक्ष में जो है वो विधायक आपके पक्ष में है, आप कोई भी कानून बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से आखिरकार मुख्यमंत्री किस बात से डर रहे हैं, उनको क्यों लग रहा है? अभी तक जहां तक धर्मशाला का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पे कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार या घर के लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में हैं, उनको सरकार के द्वारा जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, तबादलों का दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरह की रणनीति के ऊपर जो है क्या इस तरह से आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला के अंदर भी कहते हैं कि सोलन के अंदर भी जो है वो हम बहुमत के साथ इस बार जो है वो नगर निगम बनाएंगे, अगर आप वोटिंग राइट दे भी देते हो तो एक मत के साथ जो है वो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं आने वाला कि आप जो है वो वहां पे कारपोरेशन गठित कर लेंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के साथ नगर निगम बनाने जा रहा है। जी संजय जी, किमटा जी, निर्णय लिया गया है, निर्णय को पहले जब स्पष्टीकरण मांगा गया तब कुछ और कहा गया, डॉक्टर अजीत बिंदल का आरोप है, आज भी आपने मीडिया में देखा होगा कि मनमाने निर्णय लेके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कोर्ट जाएगी, क्योंकि जब चुनाव तय हो गए, दो नगर निगमों की डेट जब डिक्लेयर कर दी 24, 25 और 23 की शाम को अधिसूचना जारी करके आप विधायकों को मत का अधिकार दे देते हैं, और आपके ही सुधीर शर्मा जो कि पूर्व शहरी विकास मंत्री रहे हैं, उनका कहना मैंने 5 साल ये विभाग चलाया है और मुझे नहीं लगता कि सरकार का ये निर्णय ठीक है, क्योंकि कल को तो वो बोलते हैं कि जब विधानसभा में वोटिंग की बात आएगी तब सांसद भी बोलेंगे कि हमें भी वोटिंग राइट दो और हम वोट करेंगे, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां अलग सी खड़ी हो सकती हैं। जी किमटा जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखे ना अल्टीमेटली अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आज तो और अधिकार दिया जा रहा है, जिस एमसी एरिया से आपके विधायक है उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, कल को आपने अगर एमसी की डेवलपमेंट करनी है तो एटलीस्ट वो जो विधायक वहां से जो चुन के आया हुआ है उस उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। अगर आप मंडी की बात करें, मंडी एमसी में जो उनके भी परसों चुनाव हुए हैं वहां पे तो इनके 3 विधायक है जिनकी वोटिंग है और तीनों भाजपा के हैं, चाहे वो अनिल शर्मा जी है, चाहे वो आपके द्रंग के है, चाहे वो आपके साथ लगते हुआ क्षेत्र जो है बल, ये बल 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 तो तीनों विधायक भाजपा के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है, ठीक है लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र में एटलीस्ट उसको मजबूत करने के लिए मुझे लगता है एक प्रक्रिया है, और अगर भाजपा को कोर्ट में जाना था तो इससे पहले मंडी के इलेक्शन से पहले कोर्ट में चले जाते हैं, जब मंडी में उनकी एमसी बन गई है, तो मुझे नहीं लगता अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अब जो सुधीर शर्मा ने कहा वो उनका अपना एक पर्सनल बयान हो सकता है, अब अलबत्ता तो अल्टीमेटली जैसे आपके संजय जी ने कहा आपका चंडीगढ़ में भी है जहाँ पे किरण जो आपके किरण खेर है वो भी इन्वॉल्व रहती है ना, तो अल्टीमेटली अगर आपने अपना अगर यहाँ पर जहां जहां पे एमसीज बनी है और क्योंकि खास तौर पे सारी एमसीज नई बनी है, चाहे वो आपकी मंडी की हो, चाहे आपकी वो इसकी सोलन की हो और पालमपुर की हो, तो सारी एमसीज नहीं बनी है, तो एटलीस्ट उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है कि वहां के विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हैं वो उनका वोटिंग राइट होता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब विधायक की इन्वॉल्वमेंट होगी तो साथ ही साथ वहां पे एमसी पे जो है एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, और हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हर चीज को, अगर सरकार का कोई निर्णय उसको उसको कोसना नहीं चाहिए, उसको नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी में, और उस पर देखना चाहिए कि क्या असर उसका रहता है, क्या इफेक्ट रहता है, आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एंटायर एरिया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। बाकी सुधीर शर्मा जी ने कहा वो उनका अपना निजी और व्यक्तिगत राय हो सकती है, एमसी वो भी पहले मंत्री रहे हैं, अब वो क्या चाहते हैं क्योंकि धर्मशाला से उनकी भी एमसी है वहां पे क्या बनती है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई गलत निर्णय लिया है, बाकी दे आर ओपन टू गो इफ दे वांट टू गो इन द लॉ ऑफ कोर्ट तो दे कैन गो इन द लॉ ऑफ द कोर्ट, बाकी जो भी होगा वो ठीक होगा, लेकिन अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री ने जो किया है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना और सुदृढ़ करने के लिए, एटलीस्ट सख्त करने के लिए जो एमसी हमारी जितनी एमसीज हो और भविष्य में भी जो और एमसीज बननी चाहिए उस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। लेकिन किमटा जी ये चुनाव शायद 13 अक्टूबर को ड्यू थे, हो गए थे ड्यू, अब तक इनको टाला क्यों गया इतना लंबे समय तक, अब हो रहे हैं और अभी भी दो एमसी के जो चुनाव है उनकी कोई तिथि तय नहीं की गई है,
ऐसा क्यों कर नहीं दिया देखो सर? उसमें तो देखो जो एमएलए को लेकर था वोटिंग को लेकर, वो तो पहले से सिर्फ अधिसूचना जारी होनी थी। अधिसूचना जब जारी हो तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब अधिसूचना जारी हुई तब क्यों, इससे पहले भी तो भाजपा के जो लोग, ये बिंदल जी, उसको ऑब्जेक्शन कर सकते थे। लेकिन जब एमसी बन इनकी एमडी मंडी में एमसी बन गई, अधिसूचना जारी हुई, तब उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो 5-7-10 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। अल्टीमेटली जो भी कोई एक ड्यू डेट होती है तो हमेशा उससे 5-7-10 दिन ऊपर होती है। तो मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन लेट हुए, तो आपकी जहाँ एमसी थी द्वारा सुनकर रीचुनाव हो रहे हैं, और वहां पे जो 2.5-2.5 साल का कार्यकाल है, वो 2.5-2.5 साल मेरे कार्यकाल ठीक भी है कि एटलीस्ट एक को मौका मिलता है, फिर दूसरे को मिलता है एटलीस्ट, तो वहां से जो है एरिया की डेवलपमेंट भी होती है। इट विल मच बेटर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कहीं ये डर सोलन नगर निगम को लेके तो नहीं है, क्योंकि वहां पे दो धड़े पार्षदों के बन चुके हैं, चार पार्षद एक तरफ है, पांच पार्षद एक तरफ है। और आपको याद होगा नहीं, ऐसा कुछ चुनावों नहीं है। के दौरान, प्रियंका जी के दौरे के दौरान भी पार्षदों ने गुटबाजी, फिर से अविश्वास प्रस्ताव वहां पे लगभग दो बार कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं आपकी एमसी बचती रही है। अभी भी परसों जो प्रोग्राम था आपके, वो जो लोकल एमएलए और हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडल, छह पार्षद उनके कार्यक्रम से जानबूझ के उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो आपको, क्योंकि इनकी गुटबाजी लंबे समय से चली है जब से वो बना है, लेकिन हाई कमान ने, पार्टी के अध्यक्ष ने या विधायक ने, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब ये लंबी खिंचगी। और ये जो कांग्रेस के पास एमसी है, अगर ये गुटबाजी इसी तरह से चलती रही, हाथ से छिटक भी सकती है। वो नहीं डर नहीं यहीं ऐसा कुछ कहीं नहीं। लग रहा है उसमें वोटिंग राइट देने के पीछे। जिस जी वक्त पिछली बारी एमसी जो बनी थी तो उसमें ये था कि 2.5 साल एक व्यक्ति रहेगा, 2.5 साल दूसरा व्यक्ति नहीं, रहेगा, पंद्रह पंद्रह तो महीने का कर दिया था, पंद्रह पंद्रह महीने का हाँ कर दिया था। राजेंद्र राणा जी आपके चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने सबको वो एक रोने के लिए कि 15 महीने तू मेयर रहेगा, तू डिप्टी मेयर रहेगा, इस तरह से उन्होंने कुछ बांट दिया था। वो बिल्कुल चीज बिल्कुल। नहीं हो लेकिन पाई, इसलिए अब बंट गए हैं लोग। नहीं, अब जी कुछ नहीं, उसको लेकर और भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं हमारे जो माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, वो खुद बल्कि आउट ऑफ स्टेशन थे, वापस आ गए, उसको सामान्य तरीके से। अब जब जैसे संजय भाई ने कहा कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको प्रेशराइज किया जा रहा सरकार द्वारा, मैं बताऊं आपको मंडी का, क्योंकि मैं खुद प्रभारी रहा हूँ, आज मंडी में तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे एमसीज में है जो चुन के आए हुए हैं। और एक तो एमसी में वो लेडी है जिनके हस्बैंड हमारी सरकार ने उन्हें आज कुल्लू में सीएमओ लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम प्रेशराइज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इस चीजों को बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपके एफिलिएशन होगी, लेकिन सिर्फ सरकार का वो लेके आप किसी को प्रेशराइज किया, तो बिल्कुल नहीं प्रेशराइज किया गया। जहां जहां जिसको जो लगता है वो किया, और उसी तरह मंडी में भी हुआ। मंडी में भी जो 3-4 लोग हैं जिनके डायरेक्टली लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक तो एम्प्लॉय आपके कुल्लू में है वो सीएमओ, तो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया गया। और अल्टीमेटली जहां से मंडी में नहीं, इनकी मंडी मंडी में तो आपका स्टेक भी नहीं था किमटा जी, चार काउंसलर थे आपके नहीं पास, नहीं नहीं मैं वही तेरह कह रहा हूँ उनके मैं कि पास अगर थे, अगर कोई प्रेशराइज स्टेक था नहीं ही करना नहीं, कहीं होता, ना कहीं नहीं स्टेक अगर वो तो प्रेशराइज था नहीं ही करना नहीं। होता, 3-4 लोग सरकारी नौकरी में थे उनके, मैं बता रहा हूँ, उनका हस्बैंड नहीं, जो तभी थे, कुछ एक जो डॉक्टर कुछ है किया वो नहीं तो जा आप भी सकता था, जानते हैं, उनको कुल्लू में है। तो ऐसा कोई नहीं था क्योंकि कि सरकार जो है प्रेशराइज। देखो इस चीज के लिए भाजपा बहुत भलीभांति है, हॉर्स ट्रेडिंग का काम भाजपा पूरे हिंदुस्तान जानता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आज की डेट में भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पे नहीं है कि जो एमसीज आई है ठीक है कि अगर सोलन की लेकर है तो उसमें तो यह है कि आपस में सामान्य स्थिति बनाई जाएगी, और मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर वो सामान्य स्थिति होगी और चुनाव प्रक्रिया जो पूरी होगी, और सोलन की एमसी भी होगी और साथ ही धर्मशाला की एमसी भी जो बनकर आपके सामने आ जाएगी। जी आस्था जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। विवाद इसलिए शुरू हुआ कि पहले जब सेक्रेटरी से डीसी ने स्पष्टीकरण मांगा, तब कहा गया कि वोटिंग राइट नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हो और बाद में लोक की ओपिनियन लेके ये दिया गया हो। लेकिन जब सवाल भाजपा का ये है कि जब आपने दो एमसी के चुनावों की घोषणा कर दी और उसी की शाम को आप फिर वोटिंग राइट एमएलए को दे रहे हो, तो ये गलत है और भाजपा कोर्ट में जा रही है ये बात इस मामले को लेके। तो ये कितना प्रभावित कर सकते हैं विधायक एमसी के चुनावों को आने वाले समय में? अभी तो कोई ज्यादा लग नहीं रहा है, सोलन में दिख रहा है कि थोड़ा बहुत प्रभाव हो, धर्मशाला के विधायक तो खुद इससे पीछे हट रहे हैं, उनके उन्होंने तो बता दिया मेरी व्यक्तिगत राय से मेल नहीं खाती है। जी आस्था जी, राजीव भाई, सबसे पहले तो आप यही देखिए कि राजनीतिक पार्टियों का जो ये पावर ग्रैबिंग का गेम है, इसके लिए ये लोग कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो आप ध्यान से ये देखिए,
अगर कांग्रेस सरकार इतना सीरियस होती इन मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस के लिए, तो ये तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन, अगर इन्हें लगता था जी, तो दो मिनट के लिए अगर हम ये माने कि हाँ इनको वोटिंग राइट्स देने ही थे इनको, तो ये तो वोटिंग राइट्स ये फर्स्ट अक्टूबर को या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी करते और इनको कहते कि भाई 13th ऑफ अक्टूबर जो है सारी की सारी एमसीज जो है वर्किंग उसमें आनी चाहिए और ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया, इनको पता था कि सारा जो ठीक रहा। देखिए मंडी में तो इनके पास कुछ था नहीं, तो वहां की तो इनको नहीं, पालमपुर में भी थोड़ा इनको सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो थी धर्मशाला की और जो इनकी अंदरूनी लड़ाई वहां पे। अभी तो आपने ये भी देखा होगा वहां पे तो प्रभारी भी किसी और को नियुक्त कर दिया है, वहां के सुधीर शर्मा जी को तो बाहर ही एक तरह से कांग्रेस ने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। कहीं पे एक साल हो गई है मंत्रियों की लिस्ट में कांगड़ा जिलों को अभी भी जो मिलना चाहिए उनका नाम ही नहीं है। वो तो चलो इनका प्रेरोगेटिव है, वो किसको लें, लेकिन एक आदमी जो 2012 से मंत्री रह चुका है और वहां का विधायक है वही इनकी सरकार को कह रहा है कि ये चीज गलत है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं इस पे। अब मैं जो कह रहा हूँ आपको, आप कल को मान लीजिए ग्राम पंचायत चुनाव में भी फिर कहेंगे कि जी MLAs को लेकर के आप आइए चंडीगढ़, क्योंकि बीइंग अ यूटी एक यूनियन टेरिटरीज में क्या है, विधानसभा तो वहां पे है नहीं। तो वो भी एक मेरी नजर में अगर आप लॉ को देखें कभी भी ये होना नहीं चाहिए। दिल्ली में भी लाया गया, वो दिल्ली में भी कैटेगरी स्टेट है तो इसलिए कहीं ना हाँ, और वो भी टेक्निकली बहुत ज्यादा वो अच्छा फैसला नहीं है और ये गलत है, क्योंकि आपके पास इसलिए नहीं होना चाहिए। एक आप नगर निगम जो है एक छोटी सी वो है संस्था और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जा करके वहां पे क्यों करेगा। अब तब कल वो ये शिमला में भी लाना चाह रहे हैं क्योंकि तीन विधायक को यहाँ पे भी वोटिंग राइट्स ताकि मिल जाए, कल को इनको कभी भी ये जरूरी पड़े तो ये तुरुफ के पत्ते होंगे। या मान लीजिए वो जो रमी में जोकर्स निकाले जाते हैं वो जोकर्स की भूमिका निभाए कि कहीं पे भी तीन बना करके ट्रेल बना लो तो डिप्टी मेयर और मेयर ये अपने वहां से बनवा लेंगे। तो ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छी पॉलिटिक्स मैं नहीं मानता हूँ। MC में जो भी लोग चुन कर आए हैं वहां से उनको मौका दिया जाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि सोलन में ओपनली इन्होंने वहां पर पे एक धड़ा बिल्कुल ही नाराज चल रहा है, वो ना तो वो मंत्री जी की बात सुन रहा है वहां पे, ना वहां पे जो कि वहां के स्थानीय विधायक भी है, तो उनके तो हाथ से बाहर जा चुकी है क्योंकि वो ओपनली रेबेलियन हो चुके हैं। अब इनकी जो सारी वो ये जो नोटिफिकेशन की गई इसमें तो कानूनी तौर पर पे देखिए इप्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है हमारे उसमें, और इसका बखूबी जो है सारा जो ब्यूरोक्रेसी है हावी क्यों रहती है, वो इसलिए होती है जब आपके चुने हुए लोग लीगल उसमें है या फिर जो पूरी फ्रेटर्निटी है वो लीगल उस एस्पेक्ट को नहीं जानती है या कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से इंटरप्रिटेशन क्या है और उसको कैसे ये लोग अपने इप्स एंड बट्स में डाल करके ये डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपको वहां से भी ये आ गया था, अगर आपको तो लीगल उस सेल ने भी और सेक्रेटरी ने भी ये कह दिया था कि नहीं इसका कोई प्रोविजन है नहीं, वो वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा सकते, तो फिर बाद में आपने बुला करके कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन 23 की रात को करवा दिया, तब आपको कैसे समझ आया कि उसकी पहली बात ये है कि जब उन्होंने दी है राय दी है तो आपकी राय अगर यही बन रही थी तो ये तो अक्टूबर में बनी जानी चाहिए थी। तो 1.5 महीने तक आपने वहां के लोगों को वहां के जो ये म्युनिसिपल जो नगर निगम थी वहां की उनको वंचित रखा। 1.5 महीने तक वहां पे ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था, और फैक्चुअली भी वैसे भी अगर आप देखेंगे ये कानूनी तौर पर भी गलत है स्टेप। और हम लोग तो इस चीज को भी ये बार बार बता रहे हैं, कांग्रेस को भी बता रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन अगर आप इतने बड़े लेवल से जाकर के हर उसमें हर मान लीजिए ग्राम पंचायत जिला परिषद या BDC में जाकर के भी हर चीज में आपको सत्ता में अपने ही लोग लाने हैं और की पोस्ट पे अपने लोग बिठाने हैं तो ये कहाँ तक जायज है, डेमोक्रेसी में कहाँ तक जायज है। किसी दूसरे को तो ये पूछते भी नहीं है, किसी काम के लिए नहीं पूछते हैं, और किसी ने कोई जो इनके विपरीत जाने की कोशिश करेगा उसको एक ही इनका ये होता है कि उसको हरास करो। भाजपा के पास कुछ दूसरे तरीके हैं, इनके पास कुछ दूसरे तरीके हैं। जी किमटा जी, बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है कि ये भी व्यवस्था परिवर्तन का एक अध्याय सुक्कू जी ने लिख दिया है, क्योंकि वोटिंग राइट UT में है ठीक है, दिल्ली में है क्योंकि बी कैटेगरी स्टेट है, वहां पे LG के शासन से सब कुछ चलता है,
लेकिन बाकी प्रदेशों में कहीं पड़ोसी राज्यों में इस तरह का कोई चीज सुनने में नहीं आई। आष्टा जी की भी बात सही है, कल को इस हिसाब से तो जिला परिषद का जब चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनना पड़ेगा तो तब तो सभी विधायकों को वोटिंग राइट उस डिस्ट्रिक्ट के सभी विधायकों को हो जाएगा। ये स्थितियां पलटती जाएंगी, क्योंकि जब राजीव गांधी जी ने ये संविधान में संशोधन किया था, पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकायों को मजबूत करने की बात कही गई थी, लेकिन ये तो सीधा सीधा पॉलिटिकली बड़े नेताओं का एमएलए का दखल हो जाएगा, ये उनकी भावनाओं से विपरीत हो जाएगा जो कांग्रेस का ये स्टेप है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अल्टीमेटली देखिए, आप कोई भी स्ट्रक्चर को बनाते हो और खास तौर पे आप जब इस तरह की जो चीजें आती है उसमें आप कहीं ना कहीं उसको मजबूत करते हैं। देखिए अब अभी तो हमारी सरकार है, मान लीजिए कानून है, और कल को भाजपा की सरकार है, किसी एबी की सरकार के, तो वो सेम जो कानून बना वो उनके लिए भी उतना ही लागू। कोई अभी तो कांग्रेस की सरकार तो हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए होगा अल्टीमेटली। आप देख चीजिए, देखिए ना, एमसी जो भी एरिया होता है छोटा नहीं होता, तकरीबन तकरीबन 40,000 से ऊपर की आबादी में आपकी एमसी बनती है, ठीक है, उसको लेकर। तो वहां अगर विधायक वहां पे होगा तो मुझे लगता है कि एमसी में जो आपका काम है काज है वो अच्छा होगा। अल्टीमेटली क्या होता था कि अगर एमसी के जो लोग थे, मुझे नहीं लगता कि वहां का, मान लीजिए आप विधायक कहीं दूसरी पार्टी का है, एमसी दूसरी पार्टी के, तो एटलीस्ट वो वहां नहीं पूछा जाता था। तो अल्टीमेटली क्योंकि विधायक की तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, तो कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि एटलीस्ट एमसी एरिया जो आपका शहरी एरिया है वहां पे अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था चलनी चाहिए। तो एक अच्छा, इट विल बी पॉजिटिव साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एमसी ऑल्सो, कि वहां पे विधायक जो उनको डेवलपमेंट है बजट विधायक लेके आ रहा है और चीज और, तो अच्छी चीज रहेगी आने वाले समय के लिए। इसे पॉजिटिविटी में देखिए, नेगेटिविटी में तो आप देखते जाएंगे तो आपको नेगेटिविटी का तो कोई अंत है नहीं है, बट किसी चीज को पॉजिटिविटी में भी ले, पॉजिटिविटी भी ले, तो शायद हो सकता है इसके अच्छे रिजल्ट आए। अगर हम नेगेटिव चीज सोचते रहेंगे तो नेगेटिविटी का तो कोई अंत नहीं है। तो मेरे दोनों वक्ताओं से यही प्रार्थना है कि आप उसको पॉजिटिविटी में देखें और भविष्य में थोड़ा इंतजार कीजिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या आती है। अल्टीमेटली अगर हम नेगेटिव चीजों को बात जी करेंगे तो नेगेटिविटी का तो मैंने कहा कि कोई अंत नहीं है। संजय जी, एमसी में जो धर्मशाला में आंकड़ा 5-8-4 का है, तो आपको लगता है कि जहां वोटिंग राइट दे दिया गया है, बेशक आज मंत्री नहीं बनाए गए, सुधीर शर्मा नाराज चल रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत राय है, उन्होंने ये बोला था कि मेरी पार्टी की राय नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है जो उन्होंने इसके विरोध में जो बात कही है, तो क्या वहां पे कोई बाजी पलट सकती है, भाजपा के हाथ से निकल सकती है एमसी? बिल्कुल नहीं राजीव जी, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत में है, और पहले भी हमने जो है वो नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर अपने बनाए थे, और ये जो अभी भी चुनाव होगा उसके अंदर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जो है वो अपना नगर निगम और मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जीतेंगे। जहां तक रही स्थानीय विधायक की बात, जिन्होंने देखिए उनके विवेक के, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर के अपने विवेक के आधार पे उन्होंने अगर इतनी बड़ी बात जो है वो कही है, तो निश्चित तौर पर अगर वोटिंग राइट जो है, अगर सपोज भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है, अगर वो, लेकिन वो अपने विवेक के आधार के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि वो कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर जो है वो अपने मत का अधिकार करने के लिए वहां जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि इतनी लंबी बहस में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह जो लगा है वो प्रश्न यही है, मैं किमटा जी से भी यही कहता हूं कि आपने निर्णय ले लिया, लेकिन क्या आज का लगाया हुआ कोई, आप जिस तरह से कोई हम टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं, क्या आज का लिया हुआ निर्णय हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव पिछले उस पर ले जाया जा सकता है? कदापि नहीं लिया लगाया जा सकता। तो उसी तरह से आपके निर्णय जो है आपके भविष्य के लिए जो है वो क्या है उसके ऊपर तो बहस हो सकती है, लेकिन आप जो है वो इसको प्रोस्पेक्टिव उसमें जो लेकर के आए हैं, आपकी गलती सिर्फ ये है कि आप इसको प्रोस्पेक्टिव उसमें लागू करना चाह रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव उसमें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कानूनी पहलू इसका यही है। दूसरी चीज यह है कि विकास के कामों के अंदर जो है, जिस तरह किमटा जी ने कहा कि विधायक जो है वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकेंगे, विधायक आज भी जो है वो चाहे म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, वहां पे नगर परिषद नगर पंचायतें भी हैं, वहां पे भी जो है वो विकासात्मक गतिविधियों के अंदर और उनकी विकास से संबंधित होने वाली बैठकों के अंदर जो है वो विधायक चले जाते हैं।
और विधायकों को आदर सम्मान उसी तरह से मिलता है, उनकी बात को सुना जाता है, लेकिन बात सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप की हो रही है। अगर क्या आप चाहते हैं कि सीधा हस्तक्षेप, क्या आप नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर जो है उनकी शक्तियों को कम करवाना चाहते हैं, वहां पे इतना बड़ा आधार ठोक करके जबरदस्ती जो है वो आप विधायकों और उनकी वो उपस्थिति दर्ज करवा के जो है क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा? कल को वहां का विधायक जो है वो मंत्री भी होगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पे मेयर और डिप्टी मेयर के अधिकारों के ऊपर जो है ये हस्तक्षेप होगा? क्या हम जिस तरह आपने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना जो स्थानीय निकायों को जो मजबूत करने का, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने का था, क्या ये उसके ऊपर प्रहार नहीं है? क्या आप अपने नेता की योजनाओं को जो है, नेताओं का सपना जो लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत स्तंभ के तौर पे जो है वो स्थानीय निकाय और स्थानीय पंचायती राज सिस्टम जो है वो मजबूत होकर के उभरे, क्या आप उसके ऊपर जो है ये एक कुठाराघात नहीं कर रहे हैं? सवाल सिर्फ ये है, सवाल जो है वो आप एक लोकतांत्रिक परंपराओं के अंदर जो है, अगर आपको तो एक नजीर साबित होना चाहिए कि दूसरे प्रदेश जो है वो आपसे एक ऐसी आपको नजीर मान करके चलें कि देखिए हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा प्रदेश जो है उसने किस तरह से स्थानीय निकाय और पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करके जो है, हम देश के अंदर पहले हैं जिन्होंने 33% जो है देश के अंदर जो है वो स्थानीय महिलाओं को जो है पंचायती राज सिस्टम में 50% हिमाचल ने किया। हम पूरे एक एग्जांपल बने हैं पूरे देश के लिए, और आज हम देश के लिए क्या आप एक नई जो है वो माइलस्टोन ये बनाना चाह रहे हैं? तो इसके ऊपर विचार, तो विचार सिर्फ ये है कि हम जो है हम स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं? हम उनके अधिकार क्षेत्रों के ऊपर क्या अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है जी। आस्था जी आप बोलना चाह रहे थे। नहीं, सिर्फ दो बातें हैं इसमें, दो बातें मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात ये है, कल को इसी ग्राउंड पे, जो ग्राउंड ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है, इस ग्राउंड पे हमारे जो सांसद होंगे वो ये कहेंगे कि जो 17 की 17 विधानसभाएं हैं, क्योंकि उनको मेरा, मैं भी एमपी लेड फंड देता हूँ, तो मेरे को विधानसभा में जब भी वहां की प्लानिंग की बात आएगी या वहां की डेवलपमेंट, मुझे भी इन्वॉल्व किया जाए। तो आप इनको इंडिपेंडेंट संस्थाओं का मतलब क्या हुआ? पंचायत की या लोकल बॉडीज के जो है इंडिपेंडेंट बनाई क्यों गई? ताकि ये अपने निर्णय खुद ले सके, और ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है इनकी, उसमें कौन चाहेगा? और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, ये एक मिनट के लिए भी कोर्ट में नहीं स्टैंड होगा। अगर भाजपा जा रही है अच्छी बात है, नहीं जाएगी तो हम जाएंगे, मेरी पार्टी जाएगी नहीं जाएगी, पर मैं जरूर जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि ये कभी भी आप किसी भी उसको ऐसा नहीं कर सकते कि ऑन द वे टर्म, एक कानून की बड़ी एक भी होती है कि जो, और जैसे गेम में कभी भी गेम जब शुरू होता है, सारे रूल्स और जो होते हैं वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच जो होता है तब तय होते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव जिस जो संजय भाई बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं ठहरेगा ये वाला, क्योंकि ये जो चुनी हुई थी ये 2.5 साल पहले चुनी हुई है। आपको अगर जाना है, आप जाकर के पहले तो लोगों से पूछिए, लोगों के पास आपके पास विधानसभा है, वहां पे जाकर के अगली उसके लिए व्यवस्था कीजिए। जब आप लोगों को बताएंगे, चुनेंगे कि हाँ हमारे, आप जो चुन रहे हैं इसमें जो आपका विधायक है उसकी भी ये शक्ति रहेगी, तो फिर तो विधान उसमें जाकर के हर बैठक में जाकर के प्लानिंग के बारे में भी अपने उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, पिछले निर्णयों पर लागू नहीं हो सकता कोई भी नई नोटिफिकेशन या अधिसूचना या ये तो आपकी बात सही है। किमटा जी आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ। धर्मशाला में नंबर है 8-5-4 इंडिपेंडेंट है, अभी 2 समर्थन दे रहे हैं भाजपा को, तो आपको लगता है कि जिस तरह से सुधीर शर्मा जी ने अभी से पार्टी के, अपनी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है, चाहे व्यक्तिगत तौर पे किया है, वो क्या साथ देंगे? उनका अगर वोट उस समय जरूरी होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिता रहा होगा, वो वोट देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं, देखिए सुधीर शर्मा जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और एक डिसिप्लिन नेता है, मुझे लगता है कि वो पार्टी का बिल्कुल साथ देंगे, और वहां पर भी जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और मुझे लगता है शीघ्र जो है MC का चुनाव हो जाएगा और वहां पे जो किसकी MC बनती है वो आपके सामने आ जाएगा। जो बात अष्टा जी ने कहा, इनको मालूम नहीं होगा कि किसी भी MP
जो जो भी अपने क्षेत्र एमपी होते हैं वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट इनकी कमेटी जो बनती है उसकी अध्यक्ष होते हैं, उसमें विधायक बाय वर्चू ऑफ पोस्ट होते हैं। तो मेरा मतलब मानना है कि जितने भी विधायक है किसी भी पंचायती राज सिस्टम में बाय वर्चू ऑफ पोस्ट दे आर मेंबर ऑफ दैट पंचायती राज सिस्टम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि विधायक सिस्टम के मेंबर नहीं होते, बाय वर्चू ऑफ पोस्ट दे आर मेंबर इन दैट पंचायती राज सिस्टम ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि आज विधायक अगर एमसी में आते हैं तो वो उनकी शक्तियों कम नहीं करेंगे वहां पे मेयर और डिप्टी मेयर की। मुझे लगता है कि वहां पे विकास जो काम अच्छे से चलेंगे। और दूसरी बात कि भाई वर्चुअल पोस्ट होते थे लेकिन अल्टीमेटली वो मेंबर क्योंकि उनको वोटिंग राइट नहीं है तो शायद वो उसमें आना जाना कम करता, लेकिन किसी भी विधायक को लेकर या किसी मंत्री को लेकर वहां की एमसी हमेशा कंसर्न मंत्री के पास जाती थी। लेकिन जब विधायक वहां का उसका मेंबर होगा तो अल्टीमेटली उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी कि उस एमसी को अच्छे से सुचारू रूप से वो उस एमसी को चलाए। तो मुझे भी लगता है कि आज हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ये जो निर्णय है ये अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में हमें इसे देखना भी चाहिए। बाकी कानून तो सभी के लिए खुले है, जो जाना जाएगा वो कोर्ट्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी, दे कैन गो इन द लॉ ऑफ कोर्ट। जी चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि एमसी के मेयर डिप्टी मेयर के चुनावों में जो वोटिंग राइट दे दिया गया है वो निर्णय आगे से लागू होना था या पीछे पीछे के इस प्रक्रिया में चलना था, उस पर एक बड़ी बहस हो रही है। कोई भी नई अधिसूचना जारी होती है तो अगले निर्णयों पे वो अगले कामों पे लागू होती है, यही बात आज भाजपा की ओर से कही गई। भाजपा कहीं ना कहीं इसी मसले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं पे भाजपा को डर है क्योंकि सोलन में कांग्रेस के पार्षद आपस में पूरी तरह से लड़े हुए, दो गुट बने हुए हैं। वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडल, उनके प्रोग्रामों से भी वो दूरी बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोलन को बचाने की भी जंग है, और दूसरी जंग ये है कि धर्मशाला में जो कि चार इंडिपेंडेंट पार्षद हैं, अगर उनमें से कुछ तोड़फोड़ होती है और विधायक के मत का प्रयोग किया जाता है तो धर्मशाला में भी कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बन सकते हैं। लेकिन वहां के विधायक जो पूर्व शहरी विकास मंत्री हैं, बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, वो एक तरह से पार्टी से इग्नोर चल रहे हैं, सफोकेशन में है वो, तो वो इस निर्णय का व्यक्तिगत तौर पे विरोध कर चुके हैं। अब वो वोट करके भागीदार बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज हमने इसी विषय पर चर्चा की कि ये कितना जायज है और कितना नाजायज है वोटिंग राइट देना विधायकों को। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।